स्टार्ट किया, तो इसमें आपको मतलब क्या मतलब लगा कि इसको स्टार्ट करना चाहिए, प्रिंट मेकिंग आर्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, और कौन कौन लोग थे जो आपके साथ थे, पहला आइडिया मतलब कैसा था? देखो हम लोग ये 80s की बात है, एकदम अर्ली 80s, हम लोग सब एक साथ गड़ी ललित कला कम्युनिटी सेंटर में एक साथ काम करते थे, और काम करते करते हम सब ये फील करते थे कि भारतवर्ष में प्रिंट का तब भी वो पहचान नहीं थी जो पेंटिंग या स्कल्पचर के लिए था। आज काफ़ी फर्क आ गया, और हम लोग काफ़ी घूमते फिरते थे, वर्कशॉप्स इधर उधर आना जाना हम लोगों का लगा रहता था, तो वो नॉलेज एनलार्ज हो रहा था। एनलार्ज होते होते हम लोग तीन चार दोस्त, मैं, आनंदमय बनर्जी, के आर सुवर्णा, दत्तात्रेय आप्टे, सुशांत गुहा, हम ये चार दोस्त जो है 12 में से हम ये चार दोस्त रेगुलरली सब्जेक्ट को लेके बात करते थे। करते 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 सडनली एक फीलिंग आया कि ग्रुप कर लेना चाहिए, जैसे हमसे पहले ग्रुप 8 हुआ करता था जिसमें जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सू, परमजीत सिंह, ये लोग काफ़ी काम कर चुके थे, एंड वो सारे हमारे टीचर थे, तो वो इंस्पायरिंग फैक्टर तो था ही। तो हम सब मिलके एक दिन ऐसा सोचा कि चलो एक लिस्ट बनाते हैं हमारे जैसे, हम उम्र के, हम सोच के जो हम लोग एक साथ काम करते, सब मिलके काम शुरू करते हैं। तो क्या फीलिंग आई पता नहीं, 15 अगस्त 1980 को हमने एक मीटिंग बुला लिया, और उस मीटिंग में हमने ये तय कर लिया कि हम 12 जने एक साथ काम करेंगे। हम 12 जने में आनंदमय बनर्जी, दत्तात्रेय आप्टे, के आर सुवर्णा, सुशांत गुहा, तो आई भूला भट्टाचार्य, कंचन चंदर, शुक्ला सावंत, कविता नायर, जयंत गजेरा, शुभा घोष, सुखविंदर सिंह, मोती झड़ोटिया, इतने सारे नाम इकट्ठा हो गए, और हम लोग एक साथ इस पे काम करने लग गए। और जबकि सबके सब गड़ी में ही काम करते थे, गड़ी में ही काम करते थे अपार्ट फ्रॉम आवर जॉब्स एंड ऑल, एंड देखते देखते सच, अगर हिस्ट्री को आज आप देखोगे, इंटरनेट में देखो या इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की कैटलॉग्स वगैरह देखोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 21 साल, मतलब 1980 से लेके 1990 से लेके 2000, मतलब 2001 हमारा लास्ट शो था ब्रिटिश काउंसिल में एक साथ, लास्ट नहीं कहेंगे, मतलब एज ए ग्रुप एक साथ था, फिर आहिस्ते आहिस्ते फैल जाता है ना, दिशा बदल जाती है, ये सब। अब उसी की कंटिन्यूएशन में हम लोग सुवर्णा, आप्टे, सुशांत, मैं, कविता, आज भी हम लोग मल्टीपल एनकाउंटर के नाम से और एक तरीके से चल रहे हैं। सो ये सोच थी, और काफ़ी काम किया गया था, सिर्फ एग्जीबिशन के नाम से नहीं, सेमिनार, वर्कशॉप्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, फिल्म मेकिंग, ये सब हमने काफ़ी किया। बेंगलोर में शो, चंडीगढ़ में शो, कोलकाता में शो, साउथ में शो, कनाडा में शो, हॉलैंड में शो, नेपाल में शो, वर्कशॉप, काफी लोगों को और काफी यंग आर्टिस्टों को भी इन्वॉल्व किया, जिसकी लास्ट पहचान है ये मल्टीपल एनकाउंटर में हमने आईफैक्स में यंग आर्टिस्टों का शो किया था। लास्ट शो जो था यंग प्रिंट मेकर्स का। सो अभी हम नए सिरे से फिर से सोच रहे हैं। सो वो प्रिंट की एक बहुत बड़ी मूवमेंट सी थी। सो कुछ आइडिया है कब तक जैसे हो पाएगा? जैसे मैं देखो एकदम बहुत सीधी सी बात है, ये लास्ट शो जो था लास्ट ईयर था, एक साल तो लगेगा, 2015 में फिर हम लोग सोच रहे कि एक नए सिरे से नए तरीके से शुरू। तो हम जैसे कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी हम दो तरीका है, एक हम जो आर्टिस्ट लोग रेगुलर काम कर रहे हैं कैटलॉग्स के थ्रू उनको हम ढूंढ निकालते हैं, और एक रहता है हम इंस्टीट्यूशन की HOD को चिट्ठी भेजते हैं कि आप अपने बेस्ट चुने हुए 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कराइए। जैसे लास्ट ईयर हम शांतिनिकेतन, बड़ौदा, चंडीगढ़, जयपुर, तमिलनाडु, हैदराबाद, ऐसे सब रीजनल क्यूरेटर्स कहते हैं, रीजनल क्यूरेटर्स किए थे, कोलकाता जैसे निर्मलेंदु दास, डॉक्टर निर्मलेंदु दास थे शांति निकेतन से, हमारे विजय बागोडी थे बड़ौदा से, पराग रॉय थे कोलकाता से, चिप्पा सुधाकर थे हैदराबाद से, आर एन पालनियप्पन थे चेन्नई से, सिद्धार्थ घोष था लखनऊ से, ऐसे अलग अलग रीजन। हाँ, तो वहाँ हम क्योंकि हम सब जगह तो जाके
यंग आर्टिस्ट जान नहीं पाएंगे ना ढूंढ पाएंगे, सो ओरिजिनल क्यूरेटर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग काम करते हैं। सही।